सो गाइस, आज हमारे पास है एक इंटरेस्टिंग सा वॉच जिसका नाम है फिटसॉर्ट क्रिस्टल। 3000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे इसे लॉन्च किया गया। इसमें आपको ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ एमोलेड डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है और दोस्तों इसमें आपको मेटलिक स्ट्रैप भी देखने को मिलेगा। बॉक्स को अनबॉक्स करेंगे, सारे फीचर अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बन रही है। अगर आप चैनल पर नए हैं या इसी तरीके का कॉन्टेंट आगे भी आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों आपका कोई क्वेश्चन क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपका 100% रिप्लाई देने वाला हूं। बॉक्स हमारा कुछ इस तरीके का मिल जाता है। बॉक्स के ऊपर में फिटसॉर्ट क्रिस्टल लिखा हुआ है। दोस्तों यहां पे एमोलेड कॉलिंग स्मार्ट वॉच लिखा है। बैक साइड में दोस्तों इसके कुछ की हाईलाइट दे रखे, जैसे 1.8 एमोलेड डिस्प्ले, ब्लूटूथ कॉलिंग, सोलो साइन टेक्नोलॉजी के साथ आपको मिल जाएगा, 560 निट्स ब्राइटनेस के साथ आपको इसका डिस्प्ले मिला है, 24x7 हेल्थ मॉनिटरिंग, 96% टू बॉडी रेशियो, अप टू 15 डे बैटरी बैकअप इसमें आपको मिल जाता है और 100 प्लस स्पोर्ट्स मोड भी देखने को मिल जाएंगे। ओपन कर लेते हैं जल्दी से। दोस्तों पैकेजिंग कुछ इस तरीके से आपको मिलने वाली है। ओपन करेंगे दोस्तों बिल्कुल बॉक्स को और यहाँ पे कुछ आपको मिल जाता है डॉक्यूमेंटेशन, वो मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे हमारी स्मार्ट वॉच रखी है कुछ इस तरीके से। वॉच को थोड़ा साइड कर लेते, पहले देख लेते बॉक्स कंटेंट में आपको क्या क्या मिल जाता है। 2 QR कोड के साथ आपको कार्ड मिल जाते हैं। एक से दोस्तों आप अपने वारंटी को रजिस्टर कर सकते हैं और एक से आप अपने मैनुअल को चेकआउट कर सकते हैं। एक चार्जिंग केबल मिल जाता है। केबल की क्वालिटी की बात करूं तो काफी ठीक ठाक मुझे लग रहा है और मैग्नेटिक चार्जर इसमें आपको मिल जाएगा। वॉच की बिल्ड और डिजाइन की बात करूं तो काफी अच्छा डिजाइन इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो दोस्तों इसका जो डायल है वो फुली मेटल से बनाया और दोस्तों स्क्रीन पे आपको कोई भी ज्यादा बेजल्स देखने को नहीं मिलते। क्राउन बटन इन्होंने मेटल से बनाया और दोस्तों ये बटन आपको मिल जाता है मेटल का। यहां से दोस्तों आप अपने वॉच को ऑन ऑफ कर सकते हैं। बैक साइड में दोस्तों देखेंगे तो बैक साइड में पॉलीकार्बोनेट का यूज किया है। यहाँ पे सारे सेंसर आपको देखने को मिले, यहाँ पे चार्जिंग पिंस देखने को मिलेंगे और दोस्तों यहाँ पे इन्होंने माइक्रोफोन लगाया है और यहाँ पे दोस्तों इस साइड आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाता है। और थिकनेस की बात करूं तो दोस्तों कोई ज्यादा थिक नहीं है इसका डायल। स्ट्रैप की बात करूं तो दोस्तों स्ट्रैप काफी बढ़िया लग रहा है, थोड़ा सा हार्ड ज्यादा मुझे लगा। अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर रहे हो तो आपके हाथ में रैशेस आने के चांसेस ज्यादा रह जाएंगे। यहां पे दोस्तों बकल इन्होंने मेटल से बनाया और दोस्तों आप अपने स्ट्रैप को चेंज भी कर सकते हैं। इन्होंने दोस्तों अलग से स्ट्रैप दिया है मेटल वाला, वो अगर आप मेटल चाहते हो तो मेटल का भी लगा के यूज कर सकते हो। यूआई को चेकआउट कर लेते हैं। अगर आप इधर से स्वैप कर रहे हो तो यहाँ पे आपको स्टेप, डिस्टेंस, कैलोरी, एक्टिविटी टाइम दिख जाएगा और दोस्तों हार्ट रेट मॉनिटर, स्लीप मॉनिटर, SpO2 मॉनिटर, म्यूजिक कंट्रोल करने का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे और दोस्तों यहाँ से आप अपने कंपोनेंट को ऐड कर सकते हैं जैसे वेदर और स्ट्रेस। अगर आप ऊपर से स्वैप डाउन कर रहे हो तो यहाँ पे आपको ब्राइटनेस, टॉर्च, डू नॉट डिस्टर्ब, बैटरी सेवर मिल जाएगा और लॉक स्क्रीन करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। सेटिंग में जाने पे दोस्तों आपको राइज टू बैकअप, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, क्विक मेन्यू, मेन्यू स्टाइल, साउंड एंड वाइब्रेशन, डाउन बटन, डिवाइस इंफॉर्मेशन, QR कोड, ब्लूटूथ स्विच और दोस्तों रीसेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों टर्न ऑफ करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। मेन्यू स्टाइल में जा रहे हो तो दोस्तों यहाँ से आप अपने मेन्यू को अपने तरीके से चेंज कर सकते हो। साउंड एंड वाइब्रेशन में जाने पे दोस्तों आप अपने रिंग टून को कम ज्यादा कर सकते हो और दोस्तों यहाँ से आप अपने रिंग को ऑन ऑफ भी कर सकते हो। मीडिया साउंड मिल जाएगा और वाइब्रेशन और रिंग टून यहाँ से दोस्तों आप चेंज कर सकते हो। अगर आप ब्लूटूथ स्विच में जा रहे हो तो दोस्तों यहाँ से आप अपने ब्लूटूथ कॉलिंग को ऑन ऑफ कर सकते हो। नीचे से स्वैप कर रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन सेक्शन देखने को मिल जाएगा। इधर से स्वैप कर रहे हो तो यहाँ पे आपने जो भी रिसेंटली एक्टिविटी करी है वो दिख जाएगा और यहीं पे दोस्तों आप अपने मेन्यू को चेकआउट कर सकते हैं। मेन्यू में दोस्तों आपको मिल जाता है वर्कआउट, हार्ट रेट, एक्टिविटी, फोन, SpO2 मॉनिटर, ब्रीथ, स्ट्रेस, AI, वॉइस असिस्टेंट, गेम्स, इमोशन, कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल, स्लीप, अलार्म, वेदर, फाइंड फोन, मोर और दोस्तों सेटिंग। आपको 2 गेम्स मिल जाते हैं जैसे फ्लैपी बर्ड और 2048। यहां से आप अपनी इमोशन को डिटेक्ट कर सकते हो। मोर के ऑप्शन में जा रहे हो तो मोर में आपको टॉर्च, कैलकुलेटर देखने को मिल जाता है और दोस्तों आपको बर्ड क्लॉक का ऑप्शन मिलेगा। टाइमर में अगर आप जा रहे हो तो दोस्तों यहां से आप अपने टाइम को चेंज कर सकते हो वॉच के द्वारा और आपको स्टॉप वॉच, डायल में जा रहे हो तो यहाँ पे कुछ वॉच फीचर्स देखने को आपको मिल जाएंगे। तो IP68 की वाटर रेसिस्टेंस मिल जाती है। अगर आप स्विमिंग पूल वगैरह में से यूज कर रहे हो तो आधे घंटे से ज्यादा आपको यूज नहीं करना है। अगर आप वर्कआउट के दौरान इसे यूज करो, पसीना वगैरह आपको आ रहा है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप इसे बारिश के टाइम यूज कर रहे हो तो कर सकते हो और नहाते टाइम भी आप इसे यूज कर सकते हो। इन्होंने दोस्तों मेंशन कर रखा था बॉक्स पे 14 डे बैटरी बैकअप।
ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच में लगभग आपको 4 से 5 डेज ही बैटरी बैकअप मिलता है। अगर आप इसे विदाउट ब्लूटूथ कॉलिंग के यूज कर रहे हो तो आपको लगभग 7 से 8 दिन का ये बैटरी बैकअप दे देगी। कनेक्टिविटी की बात करूं तो दोस्तों हावो फिट ऐप से इसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको ऐप की UI चेकआउट करा देता हूं। सबसे पहले आपको स्टेप्स वगैरह दिख जाएगा, कैलोरीज, किलोमीटर, मिनट, हार्ट रेट, स्लीप मॉनिटर, SPO2 मॉनिटर, स्ट्रेस वगैरह दिख जाएगा। अगर आप वर्कआउट में जा रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे आपने जो भी वर्कआउट किया है लास्ट 1 वीक में वो शो हो जाएगा। अगर आप डिवाइस में जा रहे हो तो डिवाइस में काफ़ी सारे ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं, जैसे आपकी बैटरी शो हो जाएगी कि कितनी चार्ज है। यहाँ पे दोस्तों आपके वॉच फेसेस दिख जाएंगे। अगर आप मोर में जा रहे हो तो यहाँ पे काफ़ी सारे वॉच फेसेस इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। और आपको दोस्तों नोटिफिकेशन टर्न ऑन करने का जरिए ऑप्शन मिल जाएगा, रिमाइंडर, अलार्म, ड्रिंक अलार्म, बॉस हैंड का मिल जाएगा नोटिफिकेशन, और दोस्तों यहाँ पे साइड एंट्री अलर्ट मिल जाएगा, टेलीफोन टर्न ऑन। यहाँ से दोस्तों आप अपने ब्लूटूथ कॉलिंग को टर्न ऑफ ऑन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट सेव करने का ऑप्शन मिल जाता है, और दोस्तों यहाँ पे वेदर आपका दिख जाएगा, कैमरा कंट्रोल, वर्ल्ड क्लॉक, फाइंड माई वॉच का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से दोस्तों आप अपने पास कोड को भी सेट कर सकते हैं। हार्ट रेट मॉनिटर, स्ट्रेस, SPO2 मॉनिटर दिख जाएगा, और दोस्तों यहाँ पे कुछ और ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे ब्राइटनेस, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, डिस्प्ले टाइम आउट, लेफ्ट रिस्ट अबोव का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगर आप प्रोफाइल में जा रहे हो तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो प्रोफाइल है वो दिख जाएगा। कॉल आने पे दोस्तों कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन आपको दिखाई देने वाला है, जहाँ से आप अपनी कॉल को डिसकनेक्ट और रिसीव कर सकते हो। और दोस्तों म्यूट करने का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे वो वर्क नहीं करेगा। मैं कॉल को रिसीव कर लेता। कॉल को दोस्तों रिसीव करने के बाद आपको मिल जाता है डिसकनेक्ट करने का ऑप्शन, और दोस्तों यहाँ से आप अपनी कॉल को म्यूट कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे आप अपने वॉल्यूम को कम ज्यादा कर सकते हो। यहाँ से दोस्तों आप अपने डायलर पैड को चेकआउट कर सकते हैं। लुक वाइज दोस्तों काफी अच्छी लग रही है वॉच, और दोस्तों काफी लाइट वेट है। अगर आप स्लीप ट्रैकिंग के लिए इसे रात में पहन के सो रहे हो तो दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और ना ही आपको कोई इरिटेशन महसूस होगा। माइक्रोफोन और स्पीकर का भी टेस्ट करके देख लेते हैं वो किस तरीके से वर्क करे, अगर आप इसे कॉलिंग के लिए परचेस कर रहे हो तो आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हेलो हेलो, हाँ भाई, क्या सो रहा है क्या? अच्छा यार, डिस्टर्ब किया उसके लिए सॉरी भाई। हाँ बोले यार, मैंने एक वॉच परचेज किया, मैं शूट कर रहा हूँ ये वीडियो, ठीक है? वॉच परचेज किया मैंने एक फिट शॉट क्रिस्टल, उसी से कॉल कर रहा हूँ। तो ये बता, आवाज किस तरीके से आ रही तेरे पास? आवाज तो क्लियर है। नींद में तो नहीं है भाई तू? नहीं नहीं, नींद में नहीं हूँ। अच्छा ठीक से सुनना तब बताना यार। वैसे क्लियर है। अच्छा क्लियर है ना? हाँ। कॉलिंग के लिए कोई परचेस करे तो कर सकता है ना? हाँ कर सकता है। अच्छा ओके ब्रो, थैंक यू, सो जा भाई, ठीक है। एक्यूरेसी का दोस्तों एक रियल टाइम टेस्ट करके देख लेते हैं कि एक्यूरेट कितनी ज्यादा वॉच है। अगर आप इसे एक्यूरेसी के लिए परचेस कर रहे हो तो आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हार्ट रेट की बात करूं तो दोस्तों मेरी वॉच में 81 और यहाँ पे 86 बीट्स पर मिनट दिख रहा है, अभी 74 हो गया है। यहाँ पे दोस्तों काफी एक्यूरेट ये वॉच मुझे लग रही है। हार्ड सरफेस पे दोस्तों रख के जब मैंने इसे देखा तो यहाँ पे एरर शो हो गया है। अब बात आती है 3000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे इसे आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मेरा ओपिनियन, अगर आपको चाहिए तो दोस्तों डेफिनेटली आप इसे एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हो। काफी अच्छा डिस्प्ले इसमें देखने को मिल रहा है, और दोस्तों बैकअप एंड राइज काफी अच्छा से बरकरार है, और दोस्तों 560 निट्स ब्राइटनेस भी इसमें देखने को मिला है। तो धूप वगैरह में अगर आप इसे यूज करते हो तो दोस्तों साइड लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, काफी कंफर्टेबली आप इसे यूज कर सकते हो। यही था फिट शॉट क्रिस्टल स्मार्ट वॉच का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना, और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका 100% रिप्लाई देने वाला हूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।